अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक हैं। अभी मेरे पास आज फिर iPhone 7 आया है। इसमें आई क्लाउड लगी हुई है और इसका बाईपास करेंगे। ये देखें, इसमें आई क्लाउड लगी हुई है। अभी मैं इसका बाईपास करूँगा। ये मेरा चैनल है, इसमें और बहुत सारे सॉफ्टवेयर की वीडियो हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और किसी दोस्त को कहीं से भी पता ना चल रहा हो तो मुझसे ईमेल करके पूछ सकता है। मुझसे बहुत सारे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह पूछ रहे हैं, मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 100-100 से ज़्यादा अभी तो पूछना शुरू हो गए हैं। तकरीबन जब मैं फ्री होता हूँ तो सबको रिप्लाई करता हूँ, जितना मुझे नॉलेज होता है मैं उनको बता रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत को फ़ायदा हो रहा है, और ये आपके सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी है, मैं आपको बताऊंगा कि iPhone 7 को कैसे करना है। ये पेड है, ये जो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, इसमें सब कुछ वर्किंग करता है और ये पेड है। फेस टाइम, आई क्लाउड में आप अपनी आईडी लगा सकते हैं, आई मैसेज, नोटिफिकेशन, इसमें सब प्रॉपर वर्किंग है। आपने फ्री वाला करना है तो उसकी वीडियो भी मैंने लगाई हुई है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप सेफ मोड डाउनलोड कर लें, सिम नहीं चलेगी, इसमें सब चलेगा। ये देखिए, ये मैंने लगाई हुई है वीडियो फ्री बाईपास की भी, आप वो भी देख सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे जी। सबसे पहले हम इसको जेल ब्रेक करेंगे, ठीक है जी। ये iPhone 7 है और 13.5.1 है इसमें। अच्छा, ये याद रखें, ये MEID सेटिंग्स में नहीं होंगे, ये टूल में जिसमें मैं कर रहा हूँ। ये देखें, पहले आप चेक कर लें वो, ये MEID सेट नहीं है। जो MEID होगा, मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है उसमें मैंने बताया था कि जो MEID है उसको कैसे चेक करना है, वो सेट नहीं होंगे, उनकी सिम वर्किंग नहीं करेगी। ठीक है जी, सबसे पहले इसको जेल ब्रेक करेंगे। जेल ब्रेक के लिए केबल उतार के मोबाइल को ऑफ कर लें, इसको रिकवरी मोड केबल मोड में कंप्यूटर से कनेक्ट करें। अभी मैं मोबाइल को कनेक्ट करता हूँ। ये रिकवरी मोड आ गया इसमें। अभी क्या करना है, हमने स्टार्ट करके, ये देखिए ये बता रहा है कौन कौन सा आपने की दबाना है। साइड बटन, वॉल्यूम डाउन, अभी साइड बटन छोड़ देंगे, वॉल्यूम डाउन। जब एप्पल का लॉगो मोबाइल में शो हो जाएगा तो फिर वॉल्यूम डाउन भी छोड़ देंगे। और साथ में बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे कि थे कि आप किसी और टूल के बारे में नहीं बताते। भाई, मैंने बहुत टूल यूज़ किए हैं लेकिन मुझे सबसे अच्छा ये लगा है। मेरी दो तीन कंप्लेन आई, मैंने इनको ईमेल की, इन्होंने वो सॉल्व की, इसलिए उसके बाद मैं ये टूल इस्तेमाल करता हूँ। मैं किसी को ये नहीं बोलता कि आप ये इस्तेमाल करो, आप चेक करो, जो आपको अच्छा लगता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ये अच्छा लगा तो मैं सब दोस्तों को बता रहा हूँ कि ये अच्छा है, ये रिप्लाई भी करते हैं, इसी वजह से मैं यही टूल अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी मैं दूसरे सब छोड़े हुए हैं, फिलहाल अभी मैं यही टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है जी, अभी हमारा मोबाइल जेल ब्रेक हो गया। हम टूल को चालू करेंगे। अभी आई क्लाउड लगी हुई है इसमें, अभी आई क्लाउड नहीं गई। आई क्लाउड जब टूल से इसका बाईपास करेंगे तो फिर जाएगी। अभी फिलहाल आई क्लाउड इसमें लगी हुई है, ठीक है जी। और हाँ जी, मैंने पहले वाली वीडियो में वो बताना आपको भूल गया कि बताया था आपको कि ये अनलॉक भी हो रहा है। मैंने ईमेल करके पूछा, उन्होंने रिप्लाई किया कि ये अनलॉक भी कर रहा है। मैंने बोला था कि आप पूछ सकते हैं, मैंने पूछा है उनको,
ये अनलॉक भी करता है। इसमें डबल फ़ायदा है, अगर आप किसी को आई क्लाउड लगा है और साथ में कंट्री लॉक है, वो कंट्री लॉक भी ओपन हो जाएगा। कुछ कस्टमर आपके पास आता है, उनके पास कंट्री लॉक वाला मोबाइल होता है, अगर आपको इधर में कम रेट मिलेगा तो आप यहाँ से कर लें। इस वजह से पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि ये कंट्री लॉक का, अभी मैंने वो कन्फर्म कर लिया है, इसमें कंट्री लॉक भी 100% ओपन हो जाता है। ये अभी हम मोबाइल कनेक्ट किया हुआ, अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, ये मैं स्टार्ट कर दिया और मोबाइल साथ में कनेक्ट है। और ये पेमेंट, अभी जैसे मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था कि पेमेंट करना इसका बहुत सिंपल है, और पेपाल से बस ये ले रहे हैं। दूसरे कुछ टूल हैं, वो वीज़ा कार्ड से भी और बहुत सी उन्होंने ऑप्शन दी हुई है, लेकिन इन्होंने फ़िलहाल पेपाल से ये ले रहे हैं। ये जब हम नेक्स्ट करेंगे तो पेमेंट का डायरेक्ट पेज खुल जाएगा, हमारे मोबाइल का सीरियल उधर लिखा होगा, उसके ऊपर आप अपना पेपाल का अकाउंट लॉग इन करें, पेमेंट एक्सेप्ट हो जाएगी। ये बहुत सिंपल पेमेंट है इनकी। अभी मैं पेमेंट करके फिर वापस आके आपको बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, अभी मैंने पेमेंट कर दी है इसकी, और पेमेंट करने के बाद सम टाइम ये 20 मिनट 25 मिनट भी लग जाते हैं कि जब आपकी पेमेंट उनके पास एक्सेप्ट होगी, ये सीरियल नंबर रजिस्टर हो जाएगा, तो फिर नहीं तो आप चेक कर सकते हैं, सम टाइम एरर देगा, तो कोई आपने टेंशन नहीं लेनी, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरे किसी किसी मोबाइल में ये एरर देता है, तो मैं कुछ देर के बाद करता हूँ तो हो जाता है। अभी हम स्टार्ट करेंगे, अगर कोई एरर देगा तो फिर दोबारा से इसको करेंगे थोड़ी देर तक। ये भी मैंने स्टार्ट कर दिया, ये टूल क्लोज हो गया, अभी टूल को दोबारा ओपन करेंगे। ठीक है जी, ये देखें, ऐसे कभी टूल क्लोज हो जाए या कुछ भी हो जाए, कोई मसला नहीं, आपका सीरियल नंबर उनके पास चला जाता है, आप दोबारा से ट्राई करें, हो जाएगा। ये भी मैं स्टार्ट करूँगा। ये मोबाइल अभी 3-4 दफ़ा रिस्टार्ट होगा, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट इसको चेक करते हैं। और ये टूल में iPhone 7 से लेके X तक सपोर्ट है अभी फ़िलहाल, बस ये मॉडल हो रहे हैं और MEID मॉडल नहीं हो रहे हैं। अगर टूल में एरर देगा तो फिर बंद करके दोबारा से टूल को रनिंग कर लेना है। आप ये टूल की वेबसाइट में चेक कर लें, अगर किसी कस्टमर के मोबाइल को लॉक कोड लगा हुआ है तो वो डिसेबल है, तो उसकी प्राइस बहुत कम है इसको एक्टिव करने की, आप फर्स्ट वो चेक कर लें, बाद में सॉफ्टवेयर करके इसको अपडेट किया करें। अगर हेलो स्क्रीन में है तो उसकी थोड़ी प्राइस ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी ज़्यादा है, जो लॉक कोड वाला उसकी प्राइस बहुत कम है, क्योंकि फर्स्ट आपके पास जो मोबाइल आए उसको चेक कर लें, अगर तो उसको आई क्लाउड लगी हुई है तो आप उसको सॉफ्टवेयर नहीं करें, उसको वैसे ही रहने दें लॉक कोड पे, और डायरेक्ट ये टूल की वेबसाइट से इसका दूसरा टूल है वो डाउनलोड कर लेना है आपने, तो उसमें वो डिसेबल वाला जो है आईफोन होगा। देखिए अभी हमारा मोबाइल कनेक्ट है, ये 3-4 दफ़ा रिस्टार्ट होगा, जब टूल के ऊपर एक्टिव 200 लिख के आ जाएगा तो समझे हमारा मोबाइल पूरा 100% ओके हो गया। अगर कोई भी एरर देता है तो फिर दोबारा से कर लें। देखिए अभी एक्टिव 200 लिख के आ गया। ठीक है जी, अभी टूल क्लोज भी हो जाए नो प्रॉब्लम, अभी आप अपना मोबाइल चेक करें, अगर कोई इशू दे तो इसको दोबारा से बाईपास कर लें, अगर सही है तो ओके। अभी मैं मोबाइल चेक करता हूँ,
ठीक है जी, ये चक्रा भी आ गया, जब आप रिस्टार्ट करेंगे तो चक्रा भी चला जाएगा। अभी मैं सिम डालता हूँ इसमें, अभी मैं इसको सारा प्रॉपर चेक करता हूँ, अगर कोई इशू आएगा तो फिर दोबारा कर लूँगा, अगर सही है तो अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गया। अभी मैं सिम डालता हूँ फर्स्ट में, अलहमदिल्ला जी हमारा मोबाइल ओके हो गया। अभी मैं इसको रीस्टार्ट करके चेक करूँगा, केबल उतार दें, अभी आपने उतारनी है तो अभी रीस्टार्ट करके चेक करेंगे। ओके जी, हमारा मोबाइल सब सही हो गया। अभी मैं आपको इसका वर्जन भी दिखा देता हूँ, 13.5.1 है, ठीक है जी। अभी चक्रा भी चला गया है इसमें से, अभी कॉल दोबारा करके चेक करते हैं। किसी दोस्त को कहीं से भी पता ना चल रहा हो तो मुझे ईमेल करके पूछ लें, जब मैं फ्री होता हूँ तो सब दोस्तों को रिप्लाई करता हूँ। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोबाइल ओके हो गया। ओके दोस्तों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।